आम आदमी पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग धांडा ने कहा कि हरियाणा की किसी भी वर्दीधारी की ड्यूटी के दौरान निधन होने पर उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आपकी जिन राज्यों में सरकार है उसे तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी शहीद परिवारों को 1 करोड़ सम्मान राशि देने की पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि सही मायने में शहीद परिवारों का गुजर बसर हो सके। उन्होंने SYL मुद्दे पर स्पष्ट किया कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच पानी की लड़ाई है उसका समाधान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में करना चाहिए। इस मुद्दे पर आपके दिल्ली पंजाब के CM भी समाधान को लेकर तैयार हैं। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये BJP वाले किस मुँह से ये सब बातें करते हैं। 2016 में हरियाणा के अंदर BJP की सरकार थी, केंद्र में भी BJP की सरकार थी और पंजाब के अंदर इन अकाली दल के साथ BJP की सरकार थी। क्यों नहीं लाए? क्या दिक्कत आ रही थी? किसने रोका था? अनुराग ढांडा तो नहीं गया था रोकने के लिए? अनुराग ढांडा ने तो हाथ नहीं पकड़ा था JP दलाल जी का, ले आते। जब इनके पास समय था, तीनों जगह इनकी सरकार थी, तब नहीं किया। और कई बार ऐसे मौके आए जब तीनों जगह कांग्रेस की भी सरकार रही, तब नहीं किया। इनको बस इस राजनीतिक मुद्दे को बना के रखना है, इसका कभी समाधान नहीं निकालना। 56 साल तो हो गए हमको इंतजार करते हुए, कब आखिर समाधान निकालेंगे? सारे स्टेट्स को, चाहे पंजाब की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, सबके यहाँ पानी की कमी है। मोदी जी 2019 में आके कह के गए थे कि हमारे जो ज़रूरत का पानी है वो बह के पाकिस्तान जा रहा है। आज पता नहीं क्यों पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा हो गया मोदी जी को, ना पंजाब प्यारा, ना हरियाणा प्यारा, ना राजस्थान प्यारा। क्यों नहीं दुश्मन देश का पानी रोकते? क्यों नहीं उसको लेके आते? हरियाणा के हर किसान की प्यास क्यों नहीं बुझाते उससे? मैं तो पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, जब इसके ऊपर इतना अहम मुद्दा बताते हैं लेकिन जब इसके ऊपर मीटिंग होती है मुख्यमंत्रियों की तो प्रधानमंत्री कभी जाते नहीं उस मीटिंग के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं जाते? प्रधानमंत्री जी का इंटरेस्ट क्यों नहीं है? दो भाइयों की लड़ाई है और अगर पिता नहीं बैठेगा बीच में समझौता कराने, समझौता हो जाएगा क्या? बंटवारा हो जाएगा क्या? दो भाइयों का अगर पिता बीच में नहीं बैठेगा तो ये सब चीज़ें समझने की हैं। ये लोग इन मुद्दों पे राजनीति करते आए हैं, चूंकि काम तो करना नहीं, इनको काम कोई नहीं करते, इसलिए ऐसे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। एक इधर से ये BJP का इधर से आदमी चिल्लाएगा कि लेंगे, उधर से इन्हीं का अध्यक्ष BJP का वो सुनील जाखड़ वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे, इधर से कांग्रेस का नेता चिल्लाएगा हम लेंगे, उधर से इनका नेता कहता है पंजाब का हम नहीं देंगे। क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? एक ही पार्टी के लोग होते हुए अलग अलग बातें बोलते हैं, इसका मतलब राजनीति करते हैं खुलेआम इस मुद्दे पे। आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं करती। पानी सबकी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। केंद्र की जिम्मेदारी है कि पूरे देश में अगर कहीं भी पानी की कमी है तो कहां से लाके देंगे, केंद्र उसका समाधान करे। अनुराग ढांडा ने बुधवार को गांव काकडोली हट्टी में शहीद कर्ण सिंह के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को सांत्वना दी। बाद में गांव उमरवास में ग्रामीण सभा को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराया। मीडिया से बात करते हुए ढांडा ने भाजपा जजपा गठबंधन पर आरोप लगाए और कहा कि CM जन संवाद के नाम से हरियाणा सरकार जन स्वाद ले रही है। हरियाणा सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कभी जनहित में काम नहीं किया और अब चुनाव के समय जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है। अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार चाहे किसी PM केंद्रीय नेता को बुलाए, आमजन की नाराजगी सामने आएगी और आगामी चुनावों में वोट की चोट पर आईना दिखाने का काम करेगी। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, ये आजकल मुख्यमंत्री जी वो जन संवाद कार्यक्रम करते हैं, जन स्वाद लेते हैं, वैसे तो वहाँ पे जनता के स्वाद लेते हैं, लेकिन जन संवाद कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि और ज़्यादा करें और अपने नेताओं को अमित शाह जी को बुलाएं, मोदी जी को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं करें, तभी लोगों के बीच में जितनी नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो खुल के सामने आ पाएगी। और जितना ये ज़्यादा सभाएं और जितना ज़्यादा प्रचार करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, उतना ही ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, उतना ही ज़्यादा लोगों के सामने इनकी असली तस्वीर आ रही है और लोगों के मन में वो गुस्सा जो इन्होंने 9 साल से पिछले हरियाणा को त्रस्त कर रखा है, इन्होंने हर आदमी लाइन में लगा दिया। कोई परिवार पहचान पत्र बनवाने लाइन में लगा हुआ, कोई पेंशन बनवाने के लिए, कोई DAP की खाद लेने के लिए, कोई किसान मंडियों में 5-5, 10-10 दिन तक बैठे रहते हैं तब जाके उनका अनाज बिकता है। इन्होंने क्लर्कों, आशा वर्करों, कोई सरपंचों, कोई तो नहीं छोड़ा जिसपे लाठी नहीं चलाई। तो लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं, ये जितना ज़्यादा लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, उतना ज़्यादा लोगों के मन में जो गुस्सा पिछले 9 साल का भरा हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो सामने आता है। आने वाले समय में हरियाणा की जनता केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए आपकी सरकार बनाएगी और ये हरियाणा में चमत्कार से कम नहीं होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।